जन समर्थन कहने का बात नहीं है। हम तो देखते हैं प्रत्याशी अपना भाड़े का आदमी लेकर घूमते हैं और 5 आदमी 15 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। मैं 2 गाड़ी आप 50 आदमी को लेकर घूम रहा हूँ। सारे प्रत्याशी हैं, अगर उसके साथ 20 गाड़ियाँ हैं तो उसकी अपनी गाड़ियाँ नहीं, नाम बताने की क्या बात है। इसमें बहुत से प्रत्याशी हैं जो लोग भाड़े का आदमी और भाड़े का गाड़ी लेकर घूम रहा है। मेरे पास भाड़े की गाड़ी ही नहीं, 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी लेकर जाता हूँ और गांव में घुसता हूँ, 50 आदमी लेकर घूमता हूँ। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का दिल है, ऊपर वाले की दुआ है, माता रानी का आशीर्वाद है। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी जीत पक्की। हरेक जनता से यही अपील है कि जनता मुझे जिस मोहब्बतों से इस ऊंचाई तक ले गई है उसी मोहब्बत से 3 तारीख को आला छाप पे डॉक्टर अशरफ अली के लिए बटन दबाकर और इनको विजयी बनाएं। सकता है डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, आप सब बहुत बढ़िया बात बोल के जाते हैं। हाँ एकदम डायरेक्ट बोलते हैं। अरे भाई अशरफ डॉक्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं उनसे विकास पर हम लोग खुश नहीं हैं, बढ़े में किसी विकास से नहीं हुआ। जी बिल्कुल बदलाव होगा ना, विकास नाम का तो 0 पर है। सिवाय डॉक्टर अशरफ को छोड़कर के दूसरे किसी के अंदर ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। डॉक्टर अशरफ अली विकास करेगा बिल्कुल, हमको इत्मीनान है, यहाँ के जनता की इत्मीनान है, तभी तो जनता अपने सर पर लेकर के घूम रही। देखिए अभी बहड़िया विधानसभा है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ के जो नेतागण रहे हैं जो भी रहे हैं, अभी श्याम बहादुर सिंह 10 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हुई है। जैसे बहड़िया में बार बार मुद्दा उठता है कि शौचालय कहीं भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए क्योंकि ये एक शहर है लगभग, और यहाँ पे जो भी मान लीजिए बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। और बहुत तरह की बात है, यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए बढ़िया कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इस बार किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? ठीक है, मुद्दा होना चाहिए क्या, खासकर मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ बहड़िया में अभी मतलब पिछड़ा हुआ है ये बहड़िया, यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य और रोज़गार की तो अलग बात है, रोज़गार तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ अच्छा होना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार जी पहले 5 साल वो काम किए, उसके बाद से दूसरी बार 5 साल के नाम पर वोट लिए, और उसके बाद 5 साल वो वही गिनाया जो पहले 5 साल में किए थे, तीसरी बार भी उन्होंने वही गिनाया कि मैंने 5 साल में ये काम किया, लेकिन वो 10 साल से कुछ नहीं किए बिहार में। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन एकदम जरूरी है, एकदम बहड़िया में क्या बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग को CM दूसरा देखना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये विकास चाहिए, यहाँ पर बहुत से नेता आते हैं बोलते हैं हमको विकास करेंगे, वही तो बात है ना। यहाँ पर क्या चाहिए, हम कोई भी मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो बस 10 बजे दुकान में जाते हैं, पूछते हैं कि आलू सही है कि नहीं है, क्योंकि हम आलू खरीदते हैं 1 KG तो हम देखते हैं पहले कौन आलू सही है कौन आलू सही नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, हम एक विधायक चुनते हैं मगर ये हम नहीं देखते हैं कौन विधायक पढ़े लिखे हैं कौन विधायक नहीं है। सबसे पहले गलती हम लोग का यही है, क्योंकि हम लोग जहाँ वोट डालते हैं सबसे पहले हमको देखना चाहिए कौन विधायक अच्छा है कौन विधायक नहीं है, कौन विधायक पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। हम लोग को बस बदलाव चाहिए, जो अच्छे विधायक जो पढ़े लिखे हैं हम उनको वोट देंगे, क्योंकि हम लोग का विकास चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सेलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 N3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।